बाई द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग हमारे भी चैनल पर बहुत जल्दी सेवनटीन पॉइंट फाइव के होने वाले हैं सो so, अगर आप में से कोई है जिसने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा कॉन्टेंट भी अच्छा लग रहा है तो कर दो यार सब्सक्राइब किसका वेट कर रहे हो सो इन टूडेज वीडियो वी विल सन अन द्रैटेजी विच वी आर कॉलिंग पीवर्ड पॉइंट्स प्लस टेन मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रहा होगा नाम से ही समझ रहा होगा आपको कि ये बेसिकली दो इंडिकेटर का सेटअप है एक पीवेट पॉइंट्स का और दूसरा एक टेन मूविंग एवरेज का उन्होंने अपने वीडियो में तो बॉलिंजर बैंड यूज़ किया था और उसका जो मिडल लाइन यूज़ किया है बट बॉलेंजर बैंड का जो मिडल लाइन है वो एक्चुअली एक मूविंग एवरेज ही होता है इसलिए हम बॉलिंजर बैंड की जगह सिंपल टेन मूविंग एवरेज ही यूज़ करेंगे इस सेटअप में आई गाइज ये पार्ट मैंने जस्ट कल ही अपलोड किया अपने वीडियो में मॉडिफाई करके वेल well, अब आप ऊपर जो भी मैंने बोला उसके ऊपर सोच रहे होंगे कि बॉलिंजर बैंड में तो डिफॉल्ट सेटिंग ट्वेंटी मूविंग एवरेज का होता है तो मैंने इस वीडियो में टेन मूविंग एवरेज क्यों लिया है? ये सब मेरा ही स्मार्टनेस और गलती था मैंने गलती से ट्वेंटी मूविंग एवरेज के बदले टेन मूविंग एवरेज समझ के स्ट्रैटेजी को टेस्ट भी कर लिया और वीडियो भी बना दिया रिजल्ट अच्छा है इसलिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ और थमनेल और टाइटल में मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ बहुत जल्दी मैं ट्वेंटी मूविंग एवरेज के साथ उनका ही वीडियो ला दूंगा सो वीडियो का जरूर देखना और सॉरी गलती के लिए और ये स्ट्रैटेजी उन्होंने ये भी बोला था कि आपको निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करो ऑप्शन सेलिंग करो या फ्यूचर्स करो आप ये किसी में भी यूज़ कर सकते हो सो so हम इसको फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करेंगे ऑन निफ्टी तो इंटरवेद हम स्ट्रैटेजी पे चलते हैं जहाँ हम पीवेट पॉइंट्स प्लस टेन मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रोवाइडेड बाय अभिषेक कर को टोटल हंड्रेड टाइम्स टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे काम करता है सो हाई एवरी दिस इज प्रणित फ्रॉम ट्रेडर इन लेट्स स्टार्ट द वीडियो यहाँ मैंने अपना एम स्टॉक का ट्रेडिंग पैनल ओपन किया डायरेक्टली इधर मेरे को पूरा मार्केट का ओवरव्यू ही मिल जाता है पहले मैं बहुत सारे ब्रोकर्स यूज़ करता था अपने मल्टीपल पोर्टफोलियो हैंडल करने के लिए अराउंड ऑगस्ट आई वॉज़ इंट्रोड्यूस टू एम स्टॉक्स नाव आई कम्प्लीटली स्विच टू एम स्टॉक्स ऐसा क्यों इसके बारे में हम आगे देखेंगे मैं अभी आपको बोर नहीं करूँगा सिंपली यहाँ पर हम निफ्टी के क्लिक करेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा इसमें आपको ट्रेडिंग व्यू के मोस्ट ऑफ़ प्रीमियम फ़ीचर्स फ्री में ही मिल जाएंगे जैसे यहाँ पर एक मल्टी विंडो वाला है जिसको आप पे करना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू में चलिए अभी सेटअप बनाते हैं अपना इधर ऊपर टाइम फ्रेम को हम फिफ्टीन मिनट्स कर देंगे अब ऊपर इंडिकेटर्स पर क्लिक करेंगे और पीवेड पॉइंट स्टैंडर्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऐसा यार जाएगा इसको ऐड कर देंगे अब इसके सेटिंग्स ओपन करेंगे और नंबर ऑफ़ पीवेड बैक्स को थ्री हंड्रेड कर देंगे फिर पीवेट के लेवल को छोड़ के बाकी सब हम वन टिक करेंगे और ओके कर देंगे अब वापस ऊपर इंडिकेटर में क्लिक करेंगे और मूविंग एवरेज ऐड कर देंगे अब इसके भी हम सेटिंग्स ओपन करेंगे और लेंथ को टेन कर देंगे और इसका थिकनेस बढ़ा देंगे लाइन का लो हो गया सेटअप रेडी चलिए अब बाई रूल्स की तरफ चलते हैं अभी इसमें एक्चुअली उन्होंने पहले तो वीडियो में जो एक, एक बाय कंडीशन बोला फिर लास्ट में जाके उसमें एक मॉडिफिकेशन किया और एक दूसरा बाई कंडीशन बोल दिया सो अल्टीमेटली इधर दो केस है ट्रिगर कैंडल के लिए फर्स्ट केस क्या है कि आपका जो कैंडल का क्लोज है ना वो पिवेट पॉइंट्स के रेंज के ऊपर होना चाहिए ये जो सेंटर का पिवेट पॉइंट है उसके ऊपर होना चाहिए अब जो ग्रीन कैंडल है वो ये टेन मूविंग एवरेज है ना इसको क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए सो जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर ऐसा हुआ है सो so, ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा ये केस वन था ओके अभी केस टू क्या था केस टू में ऐसा था कि कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है ना वो टेन मूविंग एवरेज के ऊपर ही होना चाहिए पहले से ओके और फिर जो कैंडल है वो ये प्यवेट के लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग देगा सो so, जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर दोनों एक साथ उसने ब्रेक दिया सो so, यहाँ पर ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा तो इसमें ऐसे दो बाई कंडीशंस है ट्रिगर कैंडल के लिए आपको दोनों में से कोई भी मिलेगा आपको फॉलो करना है वो हम ये पहला वाला फिलहाल देखते हैं आगे का कंडीशन सबके लिए सेम ही है दोनों के लिए जैसे एंट्री वुड बी एट द क्लोज प्राइस ऑफ द ट्रिगर कैंडल फिर स्टॉप लॉस वुड बी बिलो द लो ऑफ द ट्रिगर कैंडल और बिलो टेन मूविंग एवरेज विच एवर इज़ लोअर अब टारगेट उन्होंने अपने वीडियो में तो प्रॉपरली नहीं बताया बट ये बोला है कि स्ट्रैटेजी यूज करके आपको टू इज टू वन या थ्री इज टू वन तक का भी टारगेट मिल सकता है सो so, एटलीस्ट हम टू इज टू वन तो कंसिडर करेंगे ना इसके लिए टारगेट वुड बी टू टाइम्स द रिस्क सो जैसे आप देख सकते हो ये वाला एग्जाम्पल यहाँ विन था चलिए इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं यही देखते हैं ना सेकेंड वाला जो केस एस टू वाला था वही देखते हैं यहां देखिए यह कैंडल टेन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है और पीवेट के भी ऊपर क्लोजिंग दिया है सो so, हम इसके क्लोज पे एंट्री ले लेंगे स्टॉप लॉस कैंडल का लो रखेंगे क्योंकि टेन मूविंग एवरेज के नीचे है कैंडल का लो और टारगेट टू टाइम्स द रिस्क दिस एग्जाम्पल वॉज ऑल्सो विन चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ देखिए यह कैंडल पीवेट के लेवल के ऊपर है और ये ग्रीन कैंडल ना टेन मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है so सो ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा हम हम इसके एक लोस पे एंट्री ले लेंगे स्टॉप लॉस वुड बी कैंडल का लो और टारगेट टू टाइम्स द रिस्क बट अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन लॉस कोई बात नहीं यार विन और लॉस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम आई होप आपको बाय रूल्स क्लियर है एक चीज मैंने नोटिस किया है स्ट्रैटेजी में कि यहाँ पर स्टॉप लॉस जो होते हैं ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के होते हैं अब स्टॉप लॉस बड़ा होना भी एक प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं और बहुत छोटा होना स्टॉप लॉस भी एक प्रॉब्लमेटिक चीजें ही होता है क्योंकि आपको अगर स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा ना आपका ब्रोकरेज फिक्स रहता है उसमें सो so आपका प्रॉफिट जो है वो ब्रोकरेज ही खा लेगा दैट्स वन ऑफ द रीजन वाई आई यूज एम स्टॉक्स एंड रिकमेंडेड टू पीपल बिकॉज इसने मेरा बहुत सारा पैसा ब्रोकरेजेस में बचाया है और ये प्लेटफॉर्म भी बहुत ईजी यूज करने के लिए हार्डली इनको एक ही साल हुआ है मार्केट में आए बट इतने शॉर्ट टाइम में इन्होंने मार्केट में इतने सारे अकाउंट्स ओपन किया है ना दैट टू इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये एक्चुअली इसलिए कर पाते हैं क्योंकि एमस्टॉक इज़ पार्ट ऑफ मीरा एसेड ग्रुप दैट्स वाई पीपल ट्रस्ट दैम येस स्टार्ट में थोड़े प्रॉब्लम्स थे इनके जब मैंने प्लान लिया था ओरिजिनली वो यार कुछ भी नया चीज़ आएगा ना तो प्रॉब्लम्स तो रहते ही है ना बट ये देखो ना एक साल के अंदर लोगों का फीडबैक सब लेके इनका प्लेटफॉर्म कितना स्मूथ हो गया हमने अभी इतने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे और मैं खुद भी इस चार्ट्स में उसको ट्रेड करता रहता हूँ तो मेरे को लैक तो देखने मिला ही नहीं है और प्लेटफॉर्म भी बहुत स्मूथ हो गया और सबसे बड़ा मेरा रीज़न है इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करने का कि मेरे को ब्रोकरेज ज़ीरो लगता है येस यू हर्ड मी राइट ज़ीरो ब्रोकरेज अब आप सोचो कि प्रणीत ये जीरो ब्रोकरेज कौन देता है और अगर ये ऐसा दे रहे हैं तो क्या ये चैरिटी चला रहे हैं ऑब्वियसली नहीं यार इनका कॉन्सेप्ट ही अलग है इंस्टेड ऑफ चार्जिंग मी ब्रोकरेज वो एक मेरे से स्टार्ट में ट्रिपल नाइन का चार्ज लिया था अगस्त में उसके बाद मेरे को इनको कोई भी चार्ज देने की जरूरत ही नहीं पड़ी चाहे आप डिलीवरी करो इंट्राडे करो फ्यूचर्स ई टी एफ ऑप्शन ये देखो ना यहाँ पर पूरा लिस्ट है इसमें आपको ब्रोकरेज बिल्कुल ज़ीरो लगेगा आपको एक रुपया नहीं देना इनको और अगर आप ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हो तो आप इनका 149 का भी प्लान ले सकते हो इसमें आपको डिलीवरी म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ रहेगा ना इसमें जीरो ब्रोकरेज होता है बाकी सब में जैसे इंट्राडे डे एफ और करेंसी में वहाँ पर ट्वेंटी रुपीज़ का लगता है जो नॉमिनली हर कोई लेता है सिर्फ आपको ए देना पड़ता है और वो भी कुछ नहीं अगर आपको वो भी ज़्यादा लगता है तो स्टार्ट में और एक ट्रिपल नाइन दे दो आपको पूरा अकाउंट लाइफ टाइम के लिए फ़्री मिल जाएगा अगर आप एम टी एफ यूज करते हो दैट इज ई मार्जिन जो अगर आप इनसे लेते हो ना तो इनका रेट इंडस्ट्री में सबसे कम है बिलो लिंक so, sure अब चलिए सेल रोल भी देख लेते हैं ये एग्जैक्ट बाइक का ऑपोजिट है इसमें भी ऐसा दो केस है उन दोनों में से कुछ भी सैटिस्फाई हो तो वो ट्रिगर कैंडल बन जाएगा केस वन कि कैंडल का क्लोज प्राइस शुड बी बिलो पिविट पॉइंट फिर अ रेड कैंडल शुड क्रॉस एंड क्लोज बिलो द टेन मूविंग एवरेज सो यहां देखिए यहाँ पर ये ट्रिगर कैंडल बन जाएगा चलिए केस टू भी देख लेते हैं उसमें क्या है कैंडल क्लोज प्राइस शुड बी बिलो टेन मूविंग एवरेज फिर कैंडल शुड क्रॉस एंड क्लोज बिलो द पिविट लेवल तो यहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला ट्रिगर कैंडल बन जाएगा दोनों कंडीशन में आगे का क्राइटेरिया सब सेम ही है तो केस वन का पहले देख लेते हैं यहाँ पर कैसा है एंट्री वुड बी द क्लोज प्राइस ऑफ द ट्रिगर कैंडल स्टॉप लॉस अबाउट द हाई ऑफ द ट्रिगर कैंडल और अबाउट टेन मूविंग एवरेज विच एवर इज हायर और टारगेट टू टाइम्स द रिस्क सो जैसे आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल विन था अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ देखिए यहाँ कैंडल का क्लोज जो है वो टेन मूविंग एवरेज के नीचे है और यहाँ पर ये कैंडल जो है ना पिवेट के नीचे क्लोजिंग दिया है सो so, ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा अभी इसके क्लोज पे हम एंट्री ले लेंगे स्टॉप लॉस इसी का हाई या फिर टेन मूविंग एवरेज जो ऊपर है हम उसके ऊपर रख लेंगे और टारगेट टू टाइम्स द रिस्क सो ये एग्जांपल भी विन था चलिए आई होप स्ट्रैटेजी आपको क्लियर है मैं जानबूझ के इतने सारे एग्जांपल कवर करता हूँ ताकि आपको स्ट्रैटेजी पूरा क्लियर ही रहे आप उनका वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना है तो तो इस चार्टजी को टोटल हम हंड्रेड टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करेंगे आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट दलिए रिजल्ट जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज हंड्रेड उसमें से फोर्टी लॉस सो विन रेट हुआ फोर्टी नाइन टोटल गेन इन अकाउंट वॉज फोर्टी थ्री पॉइंट एट फोर परसेंट और मैक्स ड्रॉडाउन इज माइनस सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट कंटिन्यूस विन इन अ रो इज सिक्स और कंटिन्यूस लूज इन अ रो इज ट्वेल्व टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज थ्री पॉइंट नाइन सेवन एट मन्थ्स वेल जैसे आप देख सकते हो फोर्टी थ्री पॉइंट एट फोर परसेंट गेन विद्स ड्रॉडाउन जस्ट माइनस सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट इन थ्री पॉइंट नाइन सेवन टू एट मंथ्स इज क्वाइट गुड स्ट्रेटजी कंपेरेटिवली काफ़ी सिंपल है और ओवरऑल आई लाइक द स्ट्रेटजी बहुत लोग इनको बहुत एडमायर करते हैं अभिषेक जी को आई अंडरस्टैंड वाई कूड ओज टू अभिषेक खर फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी एज ऑलवेज जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं सीधा मेरी बात या किसी की बात आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है हर स्ट्रैटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना कि स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है सो आई एल द द्रैटेजी इन द गूगल शीट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द दोजीशन इन द लिस्ट यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और री वॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी लाइक सो गाइज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सपोर्ट इज बाई सब्सक्राइब डू द चैनल एंड हिटिंग द बिल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो तो यू पी आई डी आपके स्क्रीन पर होगा और अगर आपको ये वाला स्ट्रेटेजी टेस्ट करना है और इसको ट्रेड करना है वो भी विद ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज तो एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म को ज़रूर ट्राई करना आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ होगा और प्लान्स भी अफोर्डेबल है तो किसको नहीं पसंद आएगा सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने वहाँ पर डिटेल्स डाल दिया है और अगर आपको ये वाली बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किया है आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वहाँ से इसे ज़रूर चेकआउट करना प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रैटेजी आप चाहते कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में ये भी ज़रूर बताना आप हमारे चैनल के प्ले देख सकते हो और दूसरी स्ट्रैटेजीज के वीडियोज़ भी देख सकते हो ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बिन द डिस्क्रिप्शन प्लीज फॉलो एंड शोयर सपोर्ट मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे सो सी यू नेक्स्ट टाइम Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.